और आपको बता दें इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज से बजट सेशन की शुरुआत होने जा रही है और हंगामेदार हो सकता है बजट सेशन, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके का रुख विपक्ष का देखने को मिला उसे साफ है कि पूरा जो सेशन है वो हंगामेदार रहेगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, हंगामेदार बजट सत्र के संकेत मिल गए हैं। सदन में सुनाई देगी नाम विवाद मामले की गूंज भी, कांग्रेस डेप्यूटी स्पीकर पद का की मांग कर रही है, उसको लेकर भी जो सदन में गूंज है वो सुनाई दे सकती है। तो आज से सेशन की हो रही है शुरुआत। तो आपको बता दें आज से बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, आप सभी को इंतजार होगा कि इस बार वित्त मंत्री के पिटारे से निकलेगा क्या। लेकिन सर्वदलीय बैठक में जो ट्रेलर दिखा उससे ये तो तय है कि यह सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। शुरुआत हो रही है, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र में जोरदार हंगामे होने के आसार विपक्ष के देवर आज सरकार की ओर से बुलाई गई बैठक में साफ साफ दिखाई दे रहे थे। संसद के मॉनसून सत्र और बजट से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय की बैठक में 44 दल शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र अच्छे से चलने की उम्मीद जताई, तो वही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल उठाए। हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है, वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि किस स्टेट को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस लोगों को उन्होंने सरकार ने क्या दिया। वही बैठक में नीट पेपर लीक और यूपी में कावड़ रूट में नेम प्लेट लगाने का मुद्दा कांग्रेस और सपा की ओर से उठाया गया। लगभग वो सारे मुद्दे जो देश से जुड़े हैं, जनता से जुड़े हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कश्मीर में लगातार आतंकी हमले, चीन द्वारा बलपूर्वक जो कब्जा किया गया है उस पर सरकार की कायरता, ये सारे मुद्दे वहाँ उठाए गए हैं। एक बात सर्वसम्मत से लगभग तय थी कि सदन को ज़्यादा चलाना चाहिए, ये सरकार सदन से बचती है। ये अनप्रेसिडेंटेड है और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सरकार सीधे सीधे मुसलमानों को टारगेट कर रही है। क्या जरूरत थी जो इस बार ही इस तरह का आदेश जारी किया गया। हम लोगों ने मांग की है सेंट्रल गवर्नमेंट से एक हस्तक्षेप करे। वही जेडीयू ने बजट से पहले टेंशन बढ़ा दी। सर्वदलीय बैठक में जेडीयू की ओर से बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस के मुद्दे को उठाया गया। जेडीयू के साथ साथ वाईएसआरसीपी ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा देने की मांग की। हालांकि एनडीए के सहयोगी टीडीपी ने विशेष दर्जे की मांग पर चुप्पी साध रखी। बीजेपी की ओर से कहा गया कि बजट में सबका ख्याल रखा जाएगा। बिहार को विशेष पैकेज मिले ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। दूसरी बात, हम लोगों ने बिहार के में फ्लड को लेकर के रखा कि उत्तर बिहार हर एक साल फ्लड में डूबता है, हजारों करोड़ सरकार का जो डेवलपमेंट में खर्चा हो सकता था वो फ्लड में चला जाता है। और इसमें सबसे बड़ा वजह है जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जो पानी आता है नेपाल साइड से। जो बजट आएगा वो समावेशी विकास का बजट होगा, समाज के सब वर्गों का उसमें ध्यान रखा जाएगा। और जो सरकार का मैंडेट है कि भारत को विश्व गुरु बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, उसके पैरामीटर्स, उसकी मॉडलिटीज इस बजट में निश्चित रूप से दिखाई देंगी। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। रोजगार, विकास, टैक्स में छूट जैसे कई मुद्दों पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं।
मुझे लगता है कि हम लोगों को एजुकेशन की तरफ भी जो मोदी गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है, उनको ध्यान देना चाहिए। एज ए PhD रिसर्च स्कॉलर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि हम जब भी कोई भी कोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो पहले आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस कोर्स के लिए, पहले ये होना चाहिए डिसाइड कि जो आप नया कोर्स बना रहे हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है भी कि नहीं। यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि कोर्स स्टार्ट हो जाता है बट यहाँ पर क्लास लगाने के लिए जगह नहीं होती, हॉस्टल में बच्चों को रखने की जगह नहीं होती। तो पहले कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। स्टार्टअप जो यूथ है उसको स्टार्टअप पे ओरिएंटेशन होनी चाहिए। मैं आई वुड लाइक टू कोट दीप्ति देशपांडे, उन्होंने अगले अपकमिंग बजट को कोट करते हुए कहा है कि अपकमिंग बजट शुड बी अ मिक्सचर ऑफ कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो विलेजेस हैं वो बैकबोन ऑफ इंडिया है। महात्मा गांधी ने भी विलेजेस पे बहुत फोकस किया था अपने, कि वो एक बिना जब विलेजेस पैरिश हो जाएंगे तो इंडिया भी पैरिश हो जाएगा, तो विलेजेस पे बहुत फोकस होना चाहिए अपकमिंग बजट का। बजट में उम्मीद है कि सरकार इनकम टैक्स में राहत दे सकती है, रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा, हरित ऊर्जा क्षेत्र, रक्षा, रेलवे पर खास ध्यान होगा, ऑनलाइन गेम्स पर GST घटाने की उम्मीद है। संसद का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, 12 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद मोदी सरकार का ये पहला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सदन में बजट पेश करेंगे, जिसके बाद दोनों सदनों में चर्चा होगी। लेकिन सरकार के लिए बजट सत्र इतना आसान नहीं होगा। विपक्ष जिन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा उनमें NEET UG पेपर लीक, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा, कावड़ रूट में नेम प्लेट लगाने जैसे मुद्दे। वहीं सरकार की कोशिश होगी कि बजट में सभी को कुछ न कुछ दिया जाए, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जनता के साथ सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। कई राज्य देश के जो जल संकट से जूझ रहे हैं, लोगों की टेंशन बढ़ा दी है बाढ़ और बारिश ने कि अब आखिर करें तो करें क्या, क्योंकि लाइफलाइन पर ब्रेक लग गई है। उधर मौसम विभाग ने भी कह दिया अभी कोई राहत मिलने वाली नहीं है। आइए जल संकट पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मानसून की मनमानी, सैलाब का कहर, बरसात बेहिसाब, मुसीबत मूसलाधार, गली गली पानी, टापू बने गांव और डूबे खेत खलिहान। आसमानी आफत के चलते देश के कई राज्यों में सैलाबी संकट पैदा हो चुका है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि कहीं लाइफलाइन पर ब्रेक लग चुका है तो कहीं अंडरपास पानी पानी है। दूर दूर तक पानी और बीच में मकान, तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जहां आसमानी आफत के आगे जिंदगी बेबस है। लगातार 3 दिनों के बारिश के बाद से जूनागढ़ सैलाब से जूझ रहा है। जमीन कहीं नजर नहीं आ रही है और घरों तक में पानी घुस चुका है। बारिश के बाद माया नगरी की जमीनी हकीकत की ये तस्वीर देखिए। मुंबई में रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद सब कुछ पानी पानी है। लाइफलाइन यानी रेल सेवा ठप हो गई है और भागती दौड़ती जिंदगी ठप। नवी मुंबई के CBD बेलापुर इलाके में घूमने गए 50 से ज्यादा पर्यटक पानी में फंस गए थे। फंसे हुए सभी लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात में कल सबसे अधिक बारिश द्वारका में 7 इंच, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ में 5 इंच तक दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। नर्मदापुरम में भारी बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक 11 मकानों को नुकसान और एक की मौत हुई है। UP भी बारिश और बाढ़ की मार से अछूता नहीं है। हाल ही में शाहजहांपुर में बाढ़ और बारिश की मार से हालात बेहद खराब थे। अब राहत, बचाव और लोगों की परेशानी को दूर किया जा रहा है। यहाँ काफी क्षति हुई है, पिछले दिनों इतनी बाढ़ और जल भराव हुआ है। शाहजहांपुर क्षेत्र जनता से सीधा संवाद किया है और गांव-गांव जाके जो राहत कार्य हैं उनका जायजा लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सर्वे करा लें। जितनी भी जल भराव खेतों में और जो हमारी फसलें हैं वो नष्ट हुई हैं, उनका मुआवजा किसानों को मिलेगा। राहत सामग्री का, किटों का वितरण हमारे क्षेत्र में लगातार चल रहा है और सर्वे का कार्य भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। प्रशासन लगा हुआ है हर गरीब आदमी की मदद के लिए, हमारी सरकार तत्पर है। इधर मौसम विभाग की माने तो बारिश की मनमानी से लोगों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है, यानी लोगों की मुसीबत थमने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
गाजियाबाद में एक घी के गोदाम